सात दिवसीय शिविर का आज दूसरा दिन, एक दिन खत्म हो चुका है। आप सभी का अनुभव कैसा रहा? अच्छा, किसका अच्छा नहीं रहा? किसी का भी नहीं, सभी का अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, किसी को कोई परिणाम मिला क्या? हाँ, कोई भी? अच्छा दिन गुजरा। हाँ, ये तो बहुत बड़ी सिद्धि है। हाँ, इसके लिए याद आती है। खा लिया, डायबिटीज की दवा नहीं लिया सुबह, शाम को लेते एक टाइम, दवाई भी नहीं ली। हाँ, ये भी तो बड़ी सिद्धि है ना। हाँ, कोई डॉक्टर आपको डायबिटीज की दवाई बंद करने को, या बीपी की दवाई बंद करने को, या अटैक आया है, हार्ट डिजीज है, दवाई बंद करने के लिए हिम्मत ही नहीं कर सकेगा। जब आप खुद आपके डॉक्टर बन गए और आपने दवाई बंद कर दी, हमने तो मना नहीं की, हमने तो नहीं बताया कि आप दवा बंद कर दो, आपने बंद करी। हाँ, इसका मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ, तो बस ये हमारा सेमिनार सफल हो गया। सेमिनार में यही है कि डर नहीं रहना चाहिए, जो डर गया वो मर गया। हाँ, तो हिम्मत से काम लेना है। समय तो बदलता रहेगा, सिचुएशन बदलती रहेगी, अप डाउन होते रहेंगे जीवन में, लेकिन हमें अडिग रहना है, डरना नहीं है, भागना नहीं है। तो कल जो हमने बातें की थी, इसका संक्षिप्त में कोई बता सकते हैं क्या क्या हमने बात की कल? बहुत सारी बातें एक दिन में हमने कल कवर कर ली थी, तो बता सकेंगे कोई भी? एक भी नहीं? हाँ, आइए आइए। मेरा नाम भानु भाई पटेल है। कल जो गुरुजी ने बताया है, मैं आपको जितना लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। गुरुजी ने बोला कि रोगों का जो मूल कारण है वो अपने आंत में पड़ी हुई मल है, वो मल है, वो मेन कारण है उसका। उसकी सफाई कैसे की जाती है? तो बोले कि तीन तरीका है। तरीका नंबर वन, उपवास, लांघन परम अवसर। नंबर टू, संजीवनी क्रिया, इसको बोलते हैं एनिमा। और नंबर थ्री, क्लिनसिंग जूस, सफाई करने वाला जूस। ये तीनों से जब भी आँच में, बड़ी आँच में पड़ा हुआ मल टाइम के हिसाब से हट जाएगा, उसी टाइम आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। और जो हम खाते हैं, उपवास में हम जो उपवास पूरा दिन कर सकते हैं, निर्जला उपवास, तो अच्छा है। अगर रसाहार कर सकते हैं तो रसाहार भी अच्छा है। आप
अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हो। दिन में 2-3 दफ़ा संजीवनी क्रिया आप कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। क्लिंसिंग जूस, वो दिन में 1 दफ़ा अपने कैपेसिटी के हिसाब से 1-2 ग्लास आप पीओ तो अच्छा है। दूसरा गुरु जी ने एक बताया कि योग्य आहार, बोलते हैं कि योग्य आहार आप नहीं लेते हैं तो उसका परिणाम अपने मन पे भी होता है और अपने शरीर पे भी होता है। इसलिए आप जो योग्य आहार है उसको ग्रहण करो, मांसाहार न करो। दूध मांसाहार है, दूध और दूध की जो बनावट है मिल्क प्रोडक्ट वो ग्रहण न करो। नवी भोजन प्रथा से अपना मन बदलता है, शांत होता है, गुस्सा कम आता है, वर्तन बदल जाता है, अपनी माया जो है वो कम हो जाती है और अपना जो चिंतित स्वभाव है अब स्वभाव भी थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। बहुत अच्छा, आप सबने सुना, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं इसमें। एक बताया गया बड़ी आंत साफ होनी चाहिए, वो तो सही है, लेकिन केवल बड़ी आंत नहीं, सारा शरीर यानी कि मांसपेशियां, जो हमारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स है, रेड ब्लड सेल है RBC, या तो वाइट ब्लड सेल है WBC, या तो कोई भी, इन शॉर्ट शरीर के जितने भी अंग है, सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर स्थूल तक, ये सारे शुद्ध होना चाहिए। इसमें से इम्प्यूरिटी हटाना है, निकालना है। मान लो बड़ी आंत में नहीं लेकिन शरीर में एसिड भर गई है, तो एसिड से क्या होगा कि हमारी ये जो मसल्स है वो स्टीफ हो जाएगी, एकदम कड़क, चोट लगने से टूट जाएगी, जो लिगामेंट फट जाती है उस तरह। यही एसिड के कारण हार्ट जो हमारा है वो मांस से ही बना है, तो ये भी इतना स्टीफ हो जाता है तो जो अपना वर्क करना है पंपिंग वो सही ढंग से नहीं कर पाएगा, तो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट अटैक या तो हाई BP, लो BP, ये सब कुछ हो सकता है। हमारा सारा शरीर रक्तवाहिनी केशवाहिनी से भरा हुआ है, जब एसिड भर जाएगा तो ये भी स्टीफ हो जाएगी, हाँ एकदम सुखड़ जाएगी, इतना हार्ड हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी गंवा देगी, तो ये अपना काम अच्छी तरह से नहीं कर पाएगी, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से नहीं होता है तो थकान लगती है, खालीपा महसूस होता है, चक्कर सा आता है, जी मिचलाता है, ऐसा सब कुछ होता है। ब्लड में यदि इम्प्यूरिटी है, टॉक्सिन है,
तो ब्लड की हेमोग्लोबिन परसेंटेज वैल्यू जो होनी चाहिए इससे कम हो जाती है, इसके कारण भी थकान लगती है और नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो कहना ये है कि केवल बड़ी आँख साफ होना ऐसा नहीं है, सारा शरीर साफ होना जरूरी है। दूसरा ये बताया कि रसाहार से रोग दूर होते हैं, ऐसा नहीं है, रसाहार से कभी रोग दूर नहीं होगा। रोग दूर करने के लिए बार बार कल हमने दोहराया है वो है सफाई, क्लींसिंग। तो रोग तभी जाएंगे जब हमारे शरीर से टॉक्सिन, इम्प्यूरिटी, अशुद्धियाँ दूर हो जाती है। जब तक अशुद्धि है और हम जूस लेते रहते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। एक बात हम समझ लें, मान लो एक हमारी नाली भर गई है जहाँ हम डेली खाने के बाद जो बर्तन साफ करते हैं ऐसा गंदा पानी जाता है, ये नाली भर गई है, अब पानी आगे नहीं जाता। पानी डालते हैं तो गंदा होके जहाँ से डालते हैं वहाँ से बाहर आ जाता है, क्योंकि आगे ब्लॉकेज है, भर गई है नाली। तो अब हम चाहे कितना भी शुद्ध पानी डालें, अरे गंगा जल भी डालें, फिर भी ये जो रुका हुआ है, ब्लॉकेज है, वो हटेगा नहीं। तो रोगों के बारे में भी यही है, जो ब्लॉकेज है, अटक गया है, तो पहले इसको साफ करके हटाना है। ये यदि साफ नहीं हुआ और हम रसार करते रहेंगे शुद्ध गंगा जल की समान, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। रसाहार तभी फायदेमंद रहेगा जब शरीर शुद्ध है। इसलिए सबसे पहले जोर देना है शरीर शुद्धि पर। आपको ज़्यादा धूप लगती है तो यहाँ आ सकते हैं। हाँ, तो ये दूसरी बात थी। तीसरी बात, मांसाहार को सेकेंडरी फूड बताया, तो इसमें भी करेक्शन जरूरी है। प्राइमरी फूड है जो भगवान सीधा देते हैं, हवा और प्रकाश, इससे वनस्पति बनती है। वनस्पति जो है वो सेकेंडरी फूड है। वनस्पति खाकर जो प्राणियों का देह बनता है, तो ये प्राणियों का देह वो टर्शरी फूड है, यानी कि मांसाहार है तीसरे प्रकार का, टर्शरी ये भोजन है। और बस बाकी तो सब कुछ अच्छा बताया उन्होंने। ये आप सब हर कोई बता सकते हैं, क्योंकि जो उन्होंने सुना वही आपने सुना है, फिर भी आप नहीं बता सकते। तो ये जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो आपकी है, तो इसको सुधारना जरूरी है। क्योंकि कल ही हमने बोला और आज आप नहीं बता सकते,
तो फिर घर सके घर जाके आप क्या करेंगे? ये तो सही में घर जाके करना है। यहाँ तो हम बार बार रिपीट भी करेंगे, बताएंगे, आप पूछेंगे तो जवाब भी देंगे, लेकिन घर जाके। इसलिए कल मैंने आपको बताया कि आप YouTube पे वीडियोस देखिए, सुनिए, बुक्स खास जो पढ़ने जाते हैं हम बुक्स रखते हैं, रेफरेंस बुक, कभी भी ज़रूरत पड़े तुरंत हम ढूंढ सकते हैं, तो बुक्स अवश्य रखना है। ओके, तो कल हमारी यात्रा सही भोजन तक पहुंची थी, और सही भोजन अन्य जीवों की, जैसे वनस्पति का सही भोजन क्या है, पक्षियों का सही भोजन क्या है, पशुओं का, मांसाहारी पशुओं का, शाकाहारी पशुओं का सही भोजन क्या है, ये सब कुछ कल हमने देखा। आज हम देखते हैं कि इंसान का, हमारा, मानव का सही भोजन क्या है। हमें और सभी का पता चलता है, खुद का नहीं चलता। हम औरों के दोष देखते हैं, खुद के नहीं देखते। आँख सारी सृष्टि को देख सकती है, खुद को नहीं देख सकती। हाँ, तो हमें खुद को देखना है, खुद की पहचान करना है। तो आइए देखते हैं कि इंसान का, मानव का, हमारा सही भोजन क्या है। जो हम खाते हैं सही मानकर खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, पूरी, पराठे, ये सब कुछ जो हम खाते हैं सही मानकर खाते हैं। क्यों सही मानते हैं? क्योंकि स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया है। स्कूल कॉलेज में हमें बैलेंस डिश, बैलेंस डाइट डिश दी जाती है, समतोल आहार। इसमें अनाज है, दालें यानी कि कठोल है, ग्रेन्स एंड पल्सेस हैं, इसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मांसाहार भी है। ऐसी बैलेंस डिश हम सही मानकर खाते हैं। कभी हमने एनालिसिस नहीं किया कि ये भोजन यदि सही होता तो हम बीमार नहीं पड़ते, जैसे अन्य प्राणी बीमार नहीं पड़ते। हमने तो ऐसा सोच रखा है कि हम मानव है तो बीमारी हमारे साथ है, और बीमारी के साथ दवाइयां है, और दवाइयों के साथ डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, पैथोलॉजी लेबोरेटरीज, ये सब जुटे हुए हैं। तो बिना रोग हमारा जीवन संभव है ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि हमें आज तक ऐसी गलत पढ़ाई पढ़ाई गई है स्कूल कॉलेजेस में।
तो अब हमें इसको रिवर्स करना होगा, दशा बदलनी है तो दिशा बदलनी होगी। तो सही भोजन किसे कहें? सो सिंपल, ऐसा भोजन कि जिससे शरीर का निर्माण हो और शरीर निरोग रहे, बलवत्तर बने। तो ऐसा हम देखते हैं कि दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी वैद्य नहीं है जिसको रोग नहीं है और जो दवाई नहीं ले रहा है। तो अब हम उनसे तुलना नहीं करेंगे, अब हम तुलना करेंगे उनसे जो मानव निरोग है, सशक्त है। तो ऐसे कौन है? सारी दुनिया में देखेंगे तो कोई नहीं है। तो हमें पास्ट में जाना होगा, तब हम देखते हैं कि ऋषि मुनि, तपस्वी, ये लोग बीमार नहीं थे और सशक्त थे। शक्ति तो इतनी थी कि कुछ किए बिना वो जो चाहते थे वो कर सकते थे। केवल आंखें खोलने से किसी को भस्मभूत करना है तो वो कर सकते थे। तो उनका भोजन क्या था? भगवान राम है जिसने रावण को मारा, रावण दशानन, 10 मस्तक वाला, इतना बुद्धि बल वाला और 20 भुजाओं वाला, इतना ताकतवर, इसको मारा भगवान राम ने। तो भगवान राम क्या खाते थे? हनुमान जी जो समुद्र लंघन करके भारत से लंका गए और वहाँ एक ही हनुमान जी सारी लंका को भारी पड़ गए, तो वो क्या खाते थे? ये जब हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मानव का सही भोजन क्या है। तो इन सभी का सही भोजन वो था रामचरित मानस के आधार से कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी। कंद, मूल, फल, पत्ती और पानी, ये उनका भोजन था। वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, सशक्त थे। इतना ही नहीं, उनके बच्चे उनसे भी ज़्यादा बलवत्तर और बुद्धिमान थे, भगवान राम और माता सीता जी के संतान लव और कुश। बुद्धि बल वाले और बाहुबल वाले थे। ऐसे संतान हमें भी चाहिए, लेकिन पूरी पकोड़ा खा के ऐसे संतान कभी कोई जन्म नहीं दे सकता। इसके लिए जो सीता जी ने खाया, भगवान राम ने खाया, वो माता पिता को खाना होगा। और दूसरा, केवल खाने से भी बात नहीं बनेगी। तो भगवान राम ने क्या किया, हनुमान जी ने क्या किया, ऋषि मुनियों ने क्या किया, आप देखेंगे। उन सभी का मंत्र था
सेवा, सभी ने सेवा की। देखो भगवान राम को तो राज गद्दी मिलती थी, इसको ठुकरा कर वो जंगल में आ गए, क्योंकि जंगल में वो अच्छी सेवा कर सकते थे। वहाँ हमें पता है रामलीला, तो सेवा हमारा जीवन मंत्र होना चाहिए। और तीसरा है सुमिरन, प्रभु स्मरण। अविरत, जिस तरह सांस चलती है उसी तरह अपने आप, अजपा जाप, इसको जपना नहीं पड़ता, जैसे कि सांस हमें लेनी नहीं पड़ती, अपने आप एक क्रिया हो रही है ऑटोमेटिक, उसी तरह अजपा जाप चलना चाहिए। लेकिन गलत खाना खाएंगे तो ये कभी संभव नहीं है। सही खाना और धीरे धीरे खाना छोड़ना, उपवास, इससे हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आप कोई भी केस देख लो, हमारे मानव के पूर्वज मनु महाराज, सतरूपा माता जी, या तो फिर माता पार्वती जी, या तो फिर ध्रुव जी, हाँ, ये तीनों देखने से हमें पता चल जाएगा कि यदि आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, प्रभु प्राप्ति करना चाहते हैं, तो खाना पीना धीरे धीरे क्रमशः छोड़ते जाना है। मनु सतरूपा जी ने एक एक खाना छोड़ने में, मान लो सबसे पहले कंद छोड़ा जो सबसे भारी है, तो इसमें 10,000 साल लगाए, क्योंकि उनकी उम्र भी लाख में थी। हम 100 के हिसाब से 10,000 साल तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उम्र ही 100 साल है, तो हम कुछ महीना या तो कुछ दिन ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। सबसे भारी भोजन पहले छोड़ना है, वो है कंद, सही भोजन में। गलत भोजन तो अब बात ही नहीं है। बाद में मूल छोड़ना है, बाद में फल छोड़ना है, बाद में पत्तियां छोड़नी है, बाद में पानी छोड़ना है, बाद में इतनी ताकत आ जाएगी कि हम हवा भी छोड़ सकेंगे। ये तो दूर की बात है, हम वहाँ तक पहुँच सके ना भी पहुँच सके, लेकिन जितना हो सके इतना करेंगे तो उतना तो फायदा होगा ही। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारा इंसान का, मानव का सही भोजन वो क्या है, कंदमूल फल पत्ती और पानी, यानी कि वनस्पति जगत। वनस्पति ही ये सब कुछ देती है, कंद मूल फल पत्ती, ये सब वनस्पति देती है, और बारिश से हमें पानी मिलता है। तो ये मानव का सही भोजन है। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं खाना है।
जब भी हम खाए तब देख लें कि ये कंद है, मूल है, फल है, पत्ती है, बस तो ही खाना है, नहीं है तो नहीं खाना है। दूसरा, जैसा प्रकृति ने दिया वैसा ही खाना है, ना आग पे चढ़ाना है, ना और कोई प्रक्रिया करना है। तो इस तरह से यदि हम खाएंगे, जैसा भगवान ने दिया वैसा ही, बिना कोई प्रक्रिया किए, और इसके अलावा कुछ नहीं, तब हम नितांत निरोगी रह सकेंगे। लेकिन पहले शरीर को साफ करना होगा, क्योंकि आज तक हमने गलत आहार किया है, तो ये जो शरीर में रुका हुआ है इसको पहले हटाना होगा। ये हट जाए बाद में सही भोजन, और ये भोजन में भी तीन प्रकार हमने देखे, एक है रसयुक्त रसाहार, दूसरा है कम रस वाला, और तीसरा है गरिष्ठ यानी कि सूखा। तो जहाँ तक हो सके रसयुक्त आहार खाना है, जिससे श्रीमद् भगवद गीता में जो बताया, इस तरह आयु भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा, धन संपत्ति भी बढ़ेगी, सुखाकारी बढ़ेगी। देखो, केवल भोजन परिवर्तन से ये सब कुछ हो सकता है। सही और हल्का भोजन रसाहार करने से जीवन में सुख समृद्धि भी आ सकती है। तो अब अध्याय 17 श्लोक 9 और 10 में जो बताया गया है वो तामसी और राजसी लोगों का भोजन है, जो है भुंजा हुआ यानी कि आग पे पकाया हुआ, दाह देने वाला, तीखा, खट्टा, खारा, ऐसा भोजन। यहाँ भी गीता जी में भी रोगों का कारण गलत आहार बताया गया है। जो हमारी मेडिकल साइंस या तो आयुर्वेद या तो होम्योपैथी या तो कोई भी पैथी थेरेपी नहीं बताती है। तो गलत आहार खाने से रोग होंगे, और सही आहार खाने से रोग नहीं होंगे, ये समझ लेना है। सही आहार जन्म से ही खाते हैं तो जीवन में कभी रोग नहीं आएगा, लेकिन सही आहार रोग को हटा नहीं सकेगा। हाँ, ये समझ लेना है। रोग को कौन हटाएगा? क्लींसिंग, सफाई, सफाई से ही रोग हटेगा। तो सफाई से रोग हटता है, सही भोजन खाने से रोग होते नहीं हैं, निरोग रह सकते हैं, और गलत आहार खाने से रोग होते हैं। बस ये तीन बातें यदि समझ में आ गई तो भी काफ़ी है। गलत आहार खाने से रोग होते हैं, सही आहार खाने से रोग नहीं होते हैं, लेकिन जो रोग हो गए हैं उनको हटाना है तो सफाई की ज़रूरत है। इसलिए जीवन में
हर हम में समय बाहरी और आंतरिक सफाई शरीर की करते रहना है तो हम नितांत निरोगी रहेंगे। ओके, अब तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पीरियडिकली कितना समय सफाई जरूरी है? क्या ये सफाई जो आप बोलते हैं? हाँ। तो कितने समय में, सपोज एक वीक क्या कंटिन्यूस, दो वीक क्या, महीना कर दिया डेली? मैंने बताया ना, जब तक जीते हैं तब तक। लेकिन वो पीरियड क्योंकि क्योंकि हम जब खाते हैं तो इसमें एक कूड़ा कचरा ही डालते हैं, तो इसको हटाना होगा। लेकिन यदि आदर्श भोजन यानी कि जो अन्य लोग खाते हैं, भगवान राम खाते थे, हनुमान जी खाते थे, ऋषि मुनि का ऐसा आदर्श भोजन यदि खाते हैं तो सफाई तो जरूरी है, लेकिन हमें नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए भगवान अंदर बैठे हैं, वो सफाई कर डालेंगे। लेकिन ये कब संभव होगा? जब हम सही भोजन, आदर्श भोजन कि जहाँ ना दूध दूध से बनी चीज़ें कभी खाते हैं, कभी भी नहीं, वैसे ना कभी मांसाहार करते हैं, ना कभी आग पे चढ़ाया हुआ खाते हैं, ना कभी अनाज दाले खाते हैं, यानी कि जो हमारा भोजन नहीं है वो हम कभी नहीं करते, और जो हमारा भोजन है वो ही पर्याप्त मात्रा में, अधिक भी नहीं खाते, हाँ, तो हमें कभी सफाई करनी नहीं होगी, क्योंकि ये भगवान ने रचना की है, वो सफाई होती रहेगी। देखो ये प्राणी जगत में कोई सफाई नहीं करते, होती रहती है। लेकिन जब हम कुछ हमारा भोजन नहीं है ऐसा खाते हैं तो ये रुक जाता है, तो हमें सफाई करनी पड़ती है। और हमने देखा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ माई वाइफ, तो रात को जो पकाया हुआ भोजन खाते हैं तो ये गलत है, तो इसको निकालना पड़ेगा। इसको निकालने के लिए कोई व्यवस्था भगवान ने नहीं की, क्योंकि इसके लिए शरीर बनाया ही नहीं है। तो यदि हम ये पकाया हुआ भोजन खाते हैं तो जब तक पकाया हुआ भोजन खाते हैं तब तक हर दिन इसकी सफाई करना है। इतना ही नहीं, हफ्ते में एक या दो बार सारा दिन निर्जल उपवास भी करना है। और जब निर्जल उपवास करते हैं तो साथ में एनिमा भी लेना है, और जब उपवास छोड़ते हैं तो सबसे पहले क्लींसिंग जूस लेना है, बाद में सही जूस। तो इस तरीके से हमें सफाई करना है। हर तीन महीने नवरात्र आती है तो ये नवरात्र उपवास भी करना है, हो सके तो निर्जल, ना हो सके तो रसाहार पे। तो ऐसा करते रहेंगे तभी ये सफाई होती रहेगी और हम नितांत निरोग रह सकते हैं। और कोई सवाल? कोई नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये बातें आज तक जो हमने की, अब तक ये शरीर को ध्यान में रख के हुए किया, क्योंकि हम जानते हैं अच्छी तरह से कि पहला सुख निरोगी काया। तो काया यानी कि देह यानी कि शरीर पे हमने जोर दिया और बातें की। अब शरीर साफ सुथरा हो गया, शरीर निरोग रहने लगा, ये पहला सुख है, वो मिल गया। और भी सुख है, कौन से हमें कमजोरी यदि महसूस होती है तो हम सशक्त रहना चाहते हैं,
हमें मानसिक तनाव रहता है, मेंटल टेंशन, ये हम नहीं चाहते। हम सदा आनंद में रहना चाहते हैं। हम यदि भटक गए हैं, अज्ञानता हमारे अंदर भरी है, ये भी हम नहीं चाहते। हमें सही ज्ञान चाहिए। और हमें घृणा नहीं बल्कि प्रेम चाहिए। हर कोई प्राणी देखो प्रेम के भूखे हैं। छोटा बच्चा भी प्रेम से बुलाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, दौड़ के आएगा। लेकिन जब बच्चे को पता चल जाता है कि ये मुझे प्रेम नहीं करता तो वो नहीं आएगा। तो अब हम शरीर के अलावा इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, पर भी चर्चा करेंगे। शरीर तो निरोग हो गया, शरीर सुख मिल गया, अब इंद्रियों का रोग है कमजोरी और इंद्रियों का सुख है सशक्त होना, शक्ति। शरीर में रोग हो गए थे तो हमने आंतरिक सफाई की, बाह्य तो करते ही थे, आंतरिक सफाई की तो रोग हट गए। तो अब हम देखते हैं इंद्रियों, इंद्रिया में जो कमजोरी है, जो मैंने अभी बताया था, एसिड के कारण रहती है। एसिड के कारण स्टिफनेस आ जाती है तो कमजोरी महसूस होती है। तो अब समझना एकदम आसान है, कमजोरी हटाने के लिए क्या करेंगे। देखो, रोगों का कारण हमें पता चल गया कि शरीर में रुका हुआ मल है, मल को हटा दिया, रोग हट गए। अब हम जानते हैं कि कमजोरी का कारण एसिड है, तो कमजोरी हटाना है तो क्या करेंगे। नहीं, कोई नहीं बता सकते। कितना सरल है, छोटा बच्चा भी बता देता है। हाँ, ठीक है आपका, लेकिन जवाब सही नहीं कह सकते। कितना सरल मैं ये आपको क्ल्यू दे देता हूँ, फिर भी जवाब नहीं दे पाते। पोषण वाला खोराक। हाँ जी, पोषण वाला खोराक। नहीं, गलत। एक एक बोलिए, एक एक बोलिए जिसको बोलना है। उपवास हो तो उन्होंने बताया, जवाब गलत नहीं है लेकिन सही नहीं कह सकते। वो आएगा, इसमें क्या है, जैसे हमने बताया शरीर के रोग हटाने हैं, वो मल भरा है तो क्या करना, मल को हटाना, ये सही जवाब है। बाद में हम कह सकते हैं कि उपवास से मल हटता है, एनिमा से हटता है, या क्लिंसिंग जूस से हटता है, लेकिन ये बाद में इसका तरीका है, ये साधन है, ये सही जवाब नहीं है। सही जवाब है मल को हटाओ, दोष को हटाओ, ये सही जवाब है। तो उसी तरह यहाँ मैंने आपको बता दिया, कोज बता दिया, कारण बता दिया, अब आपको केवल निवारण बताना है। एसिडिटी हो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए।
हाँ आपकी बात थोड़ी और नज़दीक है, 100% मार्क नहीं मिल सकते। हाँ जी नहीं नहीं गलत नहीं बता सकते। सो सिंपल, देखो मैंने आज तक तो हमने ये देख लिया कि रोगों का कारण दोष है, मल है, तो दोष मल को हटा दो रोग हट जाएंगे। तो वैसे कमजोरी का कारण मैंने क्या बताया, इंद्रियों, एसिड, एसिडिटी, हाँ एसिड। तो अब कमजोरी को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, हाँ जी एसिड को हटाना होगा, हाँ एसिड को हटाना, एसिडिटी नहीं, एसिड को हटाना, एसिड को हटाना है। एसिडिटी वो तो इसका रिजल्ट है, लेकिन प्रमुख कारण है वो एसिड है, एसिड की प्रेजेंस, अस्तित्व। तो एसिड को निकाल दो, बात खत्म। तो अब एसिड को कैसे हटाएं? जैसे शरीर के मल को कैसे हटाए तो हमने तीन तरीके देखे, तो एसिड को कैसे हटाए? तो एसिड हटाने के लिए सबसे उत्तम तरीका है जो आपने बताया, फास्टिंग, उपवास। इससे एसिड हटता है। एसिड हट गया, फिर से एसिड न होने पाए, इसके लिए है सही आहार, यानी कि एसिड का जो मारण है वो है बेसिक, यानी कि अल्केनी। तो अल्केलाइन फूड खाना है जिसमें अल्केलाइन हो, ऐसा भोजन। तो वनस्पति भोजन जो है हर कोई अल्केलाइन है शुद्ध स्वरूप में, लेकिन आजकल तो वो भी रासायनिक खाद वाला, रासायनिक प्रक्रिया किया गया, हाँ जल्दी पकाने के लिए एक केले को रसायन में डुबो देते हैं, जल्दी पक जाते हैं। आम हैं, इसमें भी इसे रसायन रख देते हैं तो जल्दी पक जाती है। तो ये गलत है, नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, कुदरती। तो ऐसा अल्केलाइन भोजन खाना है। अल्केलाइन भोजन यानी भोजन हमारा क्या है, पंच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जल जो है वो भी अल्केलाइन होना चाहिए। तो अल्केलाइन जल कौन सा है, बारिश का, वो सही है, वो नेचुरल है। तो इसको कोई ऐसा करो, स्टोरेज करो, और वो ही पानी सारा जीवन पीते रहो। बारिश तो हर साल आती रहती है, 3-4 महीने तक चलती है, केवल 7-8 महीने के लिए स्टोर करना है। हम करते हैं, हमने अंडरग्राउंड टैंक एक बनाई थी, इसमें म्यूनिसिपल वाटर आता है। दूसरी भी बना सकते थे लेकिन नहीं बनाई, तो हमने बैरल्स रख दिए, सिंटेक्स की टंकी आती है ना ऐसा, 1000 लीटर, 500 लीटर, ऐसी 6-7 टंकी रख दी है। और जब ये बारिश आता है हम भर लेते हैं, ऐसा टेरेस से पाइप रख के परमानेंट व्यवस्था हमने कर ली है, तो ये भर लेते हैं। केवल एक ही बारिश अच्छी आ जाती है तो सारा एक साल का पानी हम भर सकते हैं। तो ये पानी अल्केलाइन वाटर हमें पीना है। अल्केलाइन वाटर के नाम से आजकल कॉमर्शियल बिजनेस भी हो रहा है, हाँ बहुत महंगा मशीन दिया जाता है।
तो मालूम नहीं, लेकिन वो नेचुरल जो बारिश का पानी है ऐसा तो नहीं ही हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। लाखों रुपया खर्च करते हैं। तो बारिश का पानी यदि पीते हैं तो ये क्वाइट सफिशिएंट है, और सही भोजन खाते हैं तो थोड़ा इधर उधर भी हो जाए तो भी ये पानी से हमें नुकसान नहीं होगा। हम देखते हैं कि इतने सारे प्राणी हैं, कहाँ वो अल्केलाइन वाटर ढूंढने जाते हैं, जैसा मिला पी लेते हैं, लेकिन उनका भोजन सही है, भोजन में वो कभी गड़बड़ी नहीं करते। तो गंदा पानी भी पी लेते हैं तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो ये एसिड को हटाने के लिए एक है उपवास, मिनरल उपवास, और दूसरा एसिड फिर से न बने इसके लिए अल्केलाइन आहार हो गया, तो हम नितांत सशक्त रहेंगे, नितांत सशक्त, बुढ़ापे में भी सशक्त। तो अब है माइंड के बारे में बात करते हैं। मन हमारा, आज हम देखते हैं कि ज्यादातर हर कोई मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं, और कोई कोई तो मानसिक तनाव बढ़ने के कारण डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये महाभयानक रोग है डिप्रेशन, इसको होता है उसको ही पता चलता है, बाकी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये मन का तनाव हटाना है तो तनाव का कारण सबसे पहले जानना होगा। तो तनाव का कारण क्या है? इच्छा और आसक्ति। हमें इच्छा होती ही रहती है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इससे ज़्यादा मिले, इससे ज़्यादा मिले, इससे ज़्यादा मिले, इसका कोई अंत ही नहीं है। ये इच्छाएं हैं, जैसे समंदर में तरंग उठते हैं ना 24 घंटे, वो शांत नहीं होते, उस तरह हमारी इच्छाएं शांत नहीं होती। और जो मिल गया, मान लो हमने इच्छा की कि मुझे टीवी मिल जाए, मिल गया, मुझे ये एप्पल का मोबाइल मिल जाए, मिल गया, मेरा एक मकान बन जाए, बन गया, गाड़ी आ जाए, आ गई, फिर भी हमारी इच्छाएं न कम होगी न शांत होगी, बढ़ती जाएगी। 1000 मिल गए तो 10,000 मिले, 10,000 मिल गए तो करोड़ मिले, करोड़ मिले तो 10 करोड़ मिले, अबज मिले, हाँ, इसकी कोई अंत ही नहीं है। मैं दुनिया में अव्वल नंबर पे रहूं, बिल गेट से भी आगे निकल जाऊं, हाँ, ऐसा हम सोचते रहते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद भी डर ये लगता है कि मेरा जो ये अव्वल नंबर है कोई छीन ना पाए, हाँ, तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसमें बढ़ावा करने के लिए भी वो उनको रात को नींद भी नहीं आती। तो इच्छाएं हैं, तो इच्छाएं यदि शांत हो जाती है, समंदर से सरोवर में पलट जाता है,
सरोवर में देखो कोई तरंग नहीं आते, सरोवर शांत है, दोनों में पानी है लेकिन सरोवर शांत है। तो सरोवर की तरह हमारा मन बन जाए, आज समंदर की तरह है, तो विचार उठते ही रहते हैं, इच्छाएं उठती ही रहती है। अच्छा मानो जो हमने इच्छा की मिल गया, तो अब हम इसमें आसक्त हो जाएंगे। आसक्ति क्या है कि जो मिला वो मेरा है, ऐसा हम मानने लगते हैं। मान लो मुझे ये मोबाइल मिला, हाँ पहले मेरे पास नहीं था, अब ईश्वर की कृपा हुई मुझे एप्पल का ये मोबाइल मिल गया, ये मेरी इच्छा थी, मिल गया, तो अब मैं इसको मेरा मानने लगता हूँ। ये मोबाइल गिर भी जाए, डैमेज हो जाए तो मुझे दुख होगा, ये मोबाइल चोरी हो जाए तो मुझे दुख होगा, हाँ क्यों कि मैंने इसको मेरा मान लिया है। तो दुख है मेरेपन से है, इसको हम आसक्ति कहते हैं। देखो छोटा सा एग्जाम्पल,